देखिए, जो मूसा का मारजाना है, ये एक एक आइडिया का अंत है। एक मिल्टनसी में नया आइडिया फूंका था उसने कि ये ISIS की आइडियालॉजी को लेके चल रहा है, ये ग्रुप बना दिया है, वो ग्रुप बना दिया, जहां पर ये करेंगे वो करेंगे, जहां पर वो कर देंगे खलीफत कैम कर देंगे, उस तरह की बातें चलती थी। तो मैं समझता हूं कि इसके मारे जाने से उस आइडिया की मौत हुई है, और वो आइडिया किसी को किसी भी सूरत में ना तो कश्मीर के अंदर ना कश्मीर के बाद मंजूर था। इसने बहुत कोशिश करी कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ मिलाए, मगर पुलिस बाकी फोर्सेस के साथ मिलके अभी तक जो जो इसके साथ चला उसका सबका सफाया किया। आखिर में ये बचा था, अब इसका भी सफाया हो गया। अभी को लगभग 350 के करीब टोटल तादाद है मिलिटेंट्स की, जिसमें कोई 100-125 के करीब फॉरेन टेररिस्ट है और बाकी लोकल हैं। मगर बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि ये नंबर अब नीचे आ रहा है। पहले क्या होता था कि आपने जितने मिलिटेंट मारे उतने पार से आ गए, कुछ लोकल ज्वाइन कर गए। अब लोकल ज्वाइन करने वाला ये 5.5 महीने का जो आंकड़ा है, टोटल 40 का आंकड़ा है, पहले के मुकाबले में देखें तो ये आधा भी नहीं है। तो उस लिहाज से जो लोकल ज्वाइन करने वालों की तादाद है वो भी कम हुई है। पार से आने वालों का काफिया भी थोड़ा पहले से तंग हुआ है, तो इस वक्त देखें अगर तो इन्फिल्ट्रेशन पे भी काफ़ी हद तक रोक है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से अगर सिलसिला चलता रहा तो जो अमन की बहाली का जो हमारा काम है उसको और मजबूती मिलेगी और हालात और बेहतर। देखिए, आज भी जिस वक्त मैं जहाँ लैंड किया तो मुझे बताया गया कि एक ट्रक में से 5-6 क्विंटल बुकी जो है वो रामबन की पुलिस उतार रही है। कल हमने जो हीरोइन है वो पकड़ ली, उसमें कोई लेडीज़ भी थी, कोई और आदमी इन्वॉल्व था जो स्मगल करके पंजाब की तरफ जा रही थी। कुछ दिन पहले 18 किलो सामान वहाँ पर पकड़ा गया कुपवारा में, 40 किलो हीरोइन थोड़े दिन पहले जो है वो रामबन में पकड़ी गई। जम्मू में कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब इस तरह का। तो मुझे लगता है कि लोग हमारे साथ हैं, इतला हमें इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ आ रही है, आने वाले टाइम में नशे के ख़िलाफ़ हमारी ड्राइव और तेज़ हो जाएगी।